अनंतपुर में सूखे से प्रेरित मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विविध कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों से खुद को परिचित करने के बाद अब हम उन लोगों से मिले जिन्होंने इन अवधारणात्मक योजनाओं और कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों से लाभान्वित किया है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ AFEC और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कुछ उपाय और योजनाएं थी। मैं पिछले 2.5 दशकों से अनंतपुर आ रहा हूं। मैंने पहली बार देखा है कि कैसे NGO ने रेत के दृश्य को फिर से हरा भरा करने का काम किया है। यह एक चट्टानी पहाड़ी पत्थर था जो कि परिदृश्य में बहुत कब्र हुआ करता था और अब यह बहुत हरा हो गया है। क्षितिज, यह एक बहुत ही प्रेरक कहानी है। इस बार जब मैं गया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए एक्सियन फ्रेटरना इकोलॉजी सेंटर जैसे गैर सरकारी संगठनों ने सघन रोपण और विभिन्न प्रकार की घासों को संवारने, फलों के बागों की खेती, वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण, वर्षा जल रिसाव टैंक और छोटे चेक डैम का निर्माण किया जो स्थलाकृति और जल विज्ञान दोनों के पूरक और पूरक थे। गैर सरकारी संगठनों ने एक साथ किसानों को कृषि विविध बागवानी प्रजातियों के फलों के बाग उगाने के लिए प्रेरित किया। आम, कस्टर्ड सेब, सिट्रोइन, सपोटा या मैक्सिकन जैपोटा और नसबेरी भी कहा जाता है, मनिलकारा जापोटा के वानस्पतिक नाम के साथ उष्णकटिबंधीय तरबूज बहुत मीठा और रसदार आदर्श है। अन्य फलों के पेड़ों में आंवला, अमरूद, ब्लैकबेरी या शामिल है। जामुन फल, सभी सदाबहार पेड़ की किस्में, शुष्क सूखा प्रवण जलवायु क्षेत्रों के मूल निवासी। इन फलों के पेड़ों ने क्षितिज को हरा भरा कर दिया है। फलों की उपज से होने वाली आय ने किसानों को खुश कर दिया। वॉटरशेड प्रबंधन के लिए जल रिसाव ने जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों को खुश कर दिया। यह जीत जीत का फॉर्मूला था। मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए हरे मैदान तब आदर्श रामबाण थे। आज शुष्क क्षेत्र एक हरा भरा उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है जहां रेतीली दोमट मिट्टी को उपजाऊ हरे भरे परिदृश्य में बदल दिया गया है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जिले और मंत्रालय के साथ AFEC और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कुछ उपाय और योजनाएं थी। देशी पेड़ों ने घास और झाड़ियों की विभिन्न किस्मों की तरह अंडरग्राउंड का समर्थन किया। मोनोकल्चर से बचने के लिए बहु फसल को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया था। देशी पेड़ों और नीचे के पेड़ों से लीफ कूड़े ने गीली घास के क्षरण, खाद को समृद्ध करने और मिट्टी के पोषण को बहाल करने में मदद की। इससे बारिश के पानी को रिसने में मदद मिली। निश्चित रूप से 1.5 दशक के भीतर ही परिणाम दिखने शुरू हो गए। भूजल जो कुछ स्थानों पर जमीन से लगभग 900 मीटर नीचे गिर गया था, उसे भूमिगत के नीचे 15 मीटर से भी कम के स्तर पर फिर से भर दिया गया है। रिचार्ज किए गए पानी से अब खेत की सिंचाई होती है और भूजल जलभूतों को रिचार्ज किया जाता है। एसियन फ्रेटरना जैसे गैर सरकारी संगठनों और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा अवधारणात्मक योजनाओं ने मौसम की कठोर आबादी पर जीत हासिल की। अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए अनंतपुर जिले के राप्तू मंडल के येरागुंटा गाँव में एक मध्यम आयु वर्ग की स्पिंस्टर किशनमा खेती करती है। मैं एक छोटा किसान हूँ, 2.5 एकड़ जमीन है। मैं पहले ठीक नहीं था, सर मुझे पेड़ दिए, अब मेरे पास 120 पेड़ हैं। वे ज्यादातर स्पॉट ट्रेस हैं। अब उम्र 6 साल, दरिद्र मैं 10 से 15 वृक्षों को सींच रहा हूँ। मैं अब हर साल खुश हूँ, मैं 10,000 से 5,000 रुपए तक कमा रहा हूँ। किशन अमा ने अपनी जमीन के पास के खेत के तालाब से पानी की आपूर्ति का अच्छा उपयोग किया है। बंदमीपली गांव के मुथियाल अप्पा से मिले। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है। हमारे परिवार में मेरे पिता और भाइयों सहित 11 सदस्य हैं। हम ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरों के लिए जाते थे। 10 साल की उम्र में हमें खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब 10 साल की उम्र के बाद वॉटरशेड प्रोजेक्ट के आने से हमारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया है।
हम पौधे लगाने में सक्षम थे। इन मुफ्तों ने हमारी किस्मत बदल दी। पहले हम अपनी उपज बेचते थे, अब हमने कृषि उपज को अनुबंधित कर लिया है और इसलिए 3 साल के लिए हमारी आय 6 लाख है। अब हमें हर साल 2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। अब हमें पहले की तरह कोई समस्या नहीं है। हम बकरियों, मवेशियों आदि को जोड़कर अपनी कृषि आय का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम खुशी से रह रहे हैं। नागराजू एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के किसान हैं, जो वॉटरशेड प्रबंधन की प्रभावकारिता और उसके जैसे बहुआयामी लाभों की कसम खाते हैं। वे हमें इस तरह के वॉटरशेड विकास गतिविधियों के लिए दैनिक मजदूरी रोजगार देते हैं। इससे हमें रोटी और मक्खन मिलता है। मैं कंटूर बंडिंग टैंक निर्माण, रेन वाटर चैनलिंग, वाटरिंग प्लांट्स आदि गतिविधियों पर काम करता हूँ, जिसके लिए मैं औसतन 4-4 हजार रुपये प्रति माह कमाता हूँ। मैं आय के पूरक के लिए एक खेतिहर मजदूर के रूप में भी काम करता हूँ। आम की खेती में वास्तव में लाभ होता है, लेकिन पहली फसल की प्रतीक्षा अवधि न्यूनतम 5 वर्ष है, इसलिए अल्पावधि के लिए मैं मूंगफली की खेती पर निर्भर हूँ। मेरा नाम रमेश है। मैं थमैया दोदी गांव का एक जैविक फल किसान हूँ। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, जिसमें मैंने जैविक खेती से भरपूर फसल काटी है और समृद्ध फसल के कारण गांव, तालुक और जिला स्वच्छ जैविक के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। पूरे राज्य में खेती, वास्तव में यह हैरान करने वाला लेकिन आकर्षक है कि इस तरह का सूखा प्रवण मरुस्थलीय परिदृश्य अपनी कृषि उपज में इतना उपजाऊ और उर्वर है, इसे कैसे समझाया जा सकता है। अनंतपुर के ठीक उत्तर में ज्वालापुरम है, एक ऐसा क्षेत्र जो 74,000 साल पहले सुमात्रा में तोबा सुपर ज्वालामुखी विस्फोट झील की राख से गिर गया था। इस सुपर ज्वालामुखी विस्फोट ने उपमहाद्वीप के प्रायद्वीप के इन क्षेत्रों में 15 मीटर से अधिक राख गिरने को जमा कर दिया था और ज्वालामुखी सर्दियों के बाद ग्लोबल आइस एज को ट्रिगर किया था। मिट्टी में मौजूद रसायनों का जटिल जाल मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बरकरार रखता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा या मरुस्थलीकरण आते हैं। आज पुराने सूखे के बावजूद कृषि उपज इतनी विविध है। इसमें वॉटरशेड प्रबंधन सफल होने के बाद बाजरा, मूंगफली, तिलहन, फल, सब्जियां, दालें शामिल हैं। इस प्रयोग को सैंडस्केप को फिर से हरा भरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 400 एकड़ मूंगफली के खेत, लगभग 350 से 400 हेक्टेयर बागवानी बागान, सीताफल, आंवला, केला, आम, सपोटा, लाल चना या मसूर दाल सहित लगभग 200 एकड़ में मिश्रित फसल। वॉटरशेड प्रबंधन के साथ अब भूजल की भरपाई की जाती है। बारिश होने पर हमें 100 से 150 फीट की गहराई पर ही पानी मिल जाता है। पहले यह लगभग 500 से 600 फीट की गहराई पर हुआ करता था, कोई 900 फीट की गहराई तक भी चला जाता था। चेक डैम के निर्माण से पहले की तुलना में अब हमें पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और सिंचाई के लिए पानी और मवेशियों के लिए पानी बहुत आसानी से मिलता है। मुझे मवेशी खरीदने के लिए सूक्ष्म वित्त समूह से भी वित्तीय सहायता मिली। मेरे पास 5 गायें हैं, जो प्रतिदिन लगभग 40 लीटर दूध देती हैं। मैं इसे स्थानीय दूध सहकारी को देता हूँ, जो इसे डेयरी को बेचता है। यह मुझे कम से कम ₹30 प्रति लीटर, मैंने अब कर्ज चुका दिया है। वॉटरशेड प्रबंधन के हिस्से के रूप में चारा बैंकों और पशु चरने वाले घास के मैदानों को भी सामान्य संपत्ति संसाधन के रूप में विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए 30 वर्षीय धरानी एक बहुत ही युवा और उद्यमी महिला कृषक है। अपने पति की कृषि आय को पूरा करने के लिए उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से एक छोटा सा ऋण लिया, जिसे बाजरा जैसी सूखी भूमि की फसलों से पारंपरिक स्नैक्स बनाने में प्रशिक्षित किया गया था। आज वो इन बाजरे के स्नैक्स बेचती है और अपनी आजीविका कमाती है। उसने महिलाओं के लिए एक फैंसी स्टोर प्रस्तुत करने के लिए एक और छोटा ऋण लिया, जहां वो कांच की चूड़ियां, कशीदाकारी के सामान और महिलाओं और बच्चों के लिए अंडरगारमेंट्स आदि बेचती है।
मैंने अपना कारोबार चोरियों से शुरू किया था। उस व्यवसाय से मुझे जो आय हुई उससे आगे मैंने साड़ी और बाद में कपड़े बेचना शुरू किया। हमने 10 साल की उम्र में एक समूह बनाया। अब बच्चों के कपड़े, लड़कों के कपड़े और लेडीज कॉर्नर है, यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हमारे समूह के लिए धन्यवाद, मैंने बहुत सुधार किया और अपने परिवार की मदद की। लेकिन जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है, हमारा समूह मेरी मदद करता है। मेरे पति के पास कृषि भूमि का एक टुकड़ा है और वे कृषि आय के पूरक हैं। पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नव निर्मित राज्य में कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेपों ने उन तत्वों की दया पर रहने वाले परेशान लोगों को स्थायी समाधान दिया है जो अपने जीवन को पुराने सूखे से पीड़ित कर रहे हैं। यह AFEC और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों जैसे गैर सरकारी संगठनों का श्रेय है कि अवधारणात्मक पारिस्थितिक हस्तक्षेपों ने फल पैदा किया है। यहाँ अनावश्यक सबक है जिन्हें उप सहारा अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट आउटबैक जैसे ग्रह पृथ्वी पर कहीं और बढ़ाया और दोहराया जा सकता है, जहाँ गांधीवादी स्थिरता और ग्रामीण विकास के बारे में सोचा ग्रामीण आबादी के लिए समृद्धि में अनुवाद कर सकते हैं। कृषि पारिस्थितिक हस्तक्षेप जैसे बागवानी उत्पाद की खेती, पारंपरिक स्नैक्स बनाकर देशी सूखी भूमि की फसलों का मूल्य जोड़ना, भूजल का संरक्षण, नमी की मात्रा को फिर से भरना, ये कोई मामूली काम नहीं है। जलवायु परिवर्तन के दिन और युग में पुनः हरियाली एक स्थायी समाधान है जो भविष्य की पीढ़ियों की स्थिरता के लिए निवेश करता है। यह समावेशिता पर जोर देते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक मापनीय और अनुकरणीय मॉडल है। मैं मालिनी शंकर डिजिटल डिस्कोर्स फाउंडेशन के लिए रिपोर्ट कर रही हूँ।